Hello everyone, my name is Neeraj Singh. I'm a postgraduate in Thermal Engineering from IIT Warangal. I'm presently working in Central Overseas Engineering College, Jabalpur. How are you all doing? Hope you all are fine, right? And most importantly, you are watching my videos, right? I hope so. मुझे पता है बहुत सारे लोग देख रहे हो, right? I'm getting comments on my मोबाइल, राइट? प्लीज कमेंट यार, इस पर भी कमेंट करो, यूट्यूब पे भी, राइट? यूट्यूब के उसमें भी कमेंट करो, पूछो मेरे को, राइट? कुछ अच्छा लगता है अप्रिशिएशन देख करके. ओके, चलो तो वी विल डायरेक्टली मूव ऑन टू द टॉपिक विच वी आर डिस्कसिंग वॉज द TEGD का, थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक्स के. हम लोग एक टॉपिक देख रहे थे लास्ट वाली यूनिट का, कंडेंसर है ना. कंडेंसर क्या होता है, क्यों जरूरी है, वो हमने डिस्कस किया था. Then we discussed the various types of condensers. Jet condensers के बहुत सारे type देखे थे, चार type देखे थे, and surface condensers के कुछ type देखे थे. Today what we will do is we will discuss few efficiencies related to the condensers, right? So the first efficiency which we are going to discuss is the vacuum efficiency, है ना. Vacuum efficiency बात करना बहुत जरूरी है. Why? Because we have discussed that जो हमारा स्टीम पावर प्लांट के लिए जो हमने कंडेंसर लगा के रखते हैं वो सब वैक्यूम पे काम करता है. वैक्यूम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलो प्रेशर पे काम करता है. सो इसमें हमें ये इस एफिशिएंसी पे बात करना तो बहुत ही जरूरी है. सो ये वैक्यूम एफिशिएंसी है क्या? तो वैक्यूम एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल वैक्यूम अपॉन द आइडियल वैक्यूम, इन शॉर्ट, है ना. एक्चुअल वैक्यूम जो क्रिएट हो रहा है कंडेंसर में अपॉन आइडियली जो क्रिएट होना चाहिए था वैक्यूम, है ना. जब कब आइडियली, आइडली मतलब क्या है? तो आइडली मतलब ये देखो लिखा है मैंने कि व्हेन एयर इज एब्सेंट, जब एयर नहीं रहे तो, है ना, केवल स्टीम की वजह से जो हो रहा है. बट ऐसा होता नहीं है. एयर ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो लीक होता ही है. नेक्स्ट वीडियो देखेंगे एयर लीक क्यों होता है और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं. बट अभी के लिए देखें तो ये एक्चुअल वैक्यूम अपॉन आइडियल वैक्यूम है हमारा वैक्यूम एफिशिएंसी. अब ये एक्चुअल वैक्यूम है क्या? तो एक्चुअल वैक्यूम है जो हमारा कंडेंसर का जो प्रेशर है, है ना, एब्सोल्यूट प्रेशर. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से अगर इस एब्सोल्यूट प्रेशर को कंडेंसर के में माइनस कर दूं तो जो प्रेशर बनता है उसको हम वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं. वैक्यूम वैसे भी वही होता है ना, एटमॉस्फेरिक माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर, वही हमारा वैक्यूम प्रेशर हुआ. तो ये हमारा वैक्यूम प्रेशर होगा. मतलब देखो लिखा बैरोमेट्रिक प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एक्चुअल एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द कंडेंसर, जो एक्चुअल प्रेशर है कंडेंसर का वो, राइट, अपॉन बैरोमेट्रिक प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ स्टीम, है ना. एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ स्टीम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस PT मतलब टोटल प्रेशर, राइट. टोटल प्रेशर क्या क्या होगा? तो इट विल बी दी दो चीज के प्रेशर को मिला करके टोटल प्रेशर बनेगा. किसका? The partial pressure of the steam और the partial pressure of the air. तो partial pressure of steam plus partial pressure of air, ये मेरा total pressure होगा. और यही total pressure क्या है? Condenser pressure है, right? So ये condenser pressure है. तो ये मेरा हुआ actual vacuum और ये हुआ मेरा ideal vacuum. Ideal vacuum क्या हुआ? Atmospheric pressure minus steam. अगर air नहीं होता, केवल steam जा रहा होता condenser में, तो है ना, ideally होना यही चाहिए, but एयर आ जाता है. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एयर क्यों आ रहा है, लीक कैसे हो जा रहा है और क्या होंगे उसके इफेक्ट. बट अभी के लिए ये वैक्यूम प्रेशर बहुत सिंपल है ना, सिंपल. और ये हमने कहाँ डिस्कस किया है, याद है? जेट कंडेंसर जब पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था कि जेट कंडेंसर का जो वैक्यूम प्रेशर है वो बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग उसको ज्यादातर यूज नहीं करते हैं, राइट. और देखो इसका वैक्यूम प्रेशर जेट कंडेंसर में कम होता है. क्यों कम होता है? क्योंकि जेट कंडेंसर में ना एयर इनफिल्ट्रेट हो जाता है, एयर लीक होता है बहुत ज्यादा. So, एयर अगर ज्यादा लीक हो रहा है, जितना ज्यादा एयर लीक होगा उतना प्रेशर यहाँ पे, देखो ये प्रेशर और बढ़ जाएगा, ये प्रेशर बढ़ जाएगा तो मेरा वैक्यूम प्रेशर कम हो जाएगा, राइट. सो द फर्स्ट एफिशिएंसी जो हमने देखी वो वैक्यूम एफिशिएंसी. वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द कंडेंसर एफिशिएंसी, राइट. ये कंडेंसर एफिशिएंसी क्या होती है? तो कंडेंसर एफिशिएंसी होती है द एक्चुअल राइज इन, इट इज द रेशियो of the actual rise in temperature of the cooling water upon the maximum possible, जो maximum possible temperature का rise हो सकता है cooling water का, है ना.
फिर से रिपीट करूं क्या होता है, तो ये रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, तो एक्चुअल जो राइज हो रहा है कूलिंग वाटर का अपॉन मैक्सिमम कितना राइज हो सकता था कूलिंग वाटर का, है ना, कूलिंग वाटर। तो अगर ये मेरा कंडेंसर है, देखो ये मेरा कंडेंसर है, तो क्या हो रहा था, यहां से स्टीम आ रहा था और ये मान लो ऐसा कूलिंग वाटर सर्कुलेट हो रहा है, तो ये कूलिंग वाटर टेम्परेचर इन जो जा रहा है और कूलिंग वाटर आउट जो आ रहा है, राइट। कूलिंग वाटर इन जो जा रहा है टेम्परेचर है और ये TW2 है कूलिंग वाटर आउट टेम्परेचर, राइट। सो इन दोनों का डिफरेंस ये एक्चुअल होगा, एक्चुअल टेम्परेचर डिफरेंस, और आइडियली कितना होना चाहिए, तो आइडियल कितना हो सकता है, मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस जो हो सकता है वो उस पर्टिकुलर कंडेंसर के प्रेशर पे, है ना, कंडेंसर प्रेशर पे जो सैचुरेशन टेम्परेचर होगा, जिस प्रेशर पे कंडेंसर काम कर रहा है उसका जो सैचुरेशन टेम्परेचर होगा वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जो ये इसका आउटलेट हो सकता है, है ना। तो जब मैक्सिमम मतलब उस प्रेशर पे, कंडेंसर प्रेशर पे जो सैचुरेशन टेम्परेचर है, अगर उतना टेम्परेचर इसका आउटलेट हो जाए तो जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा इन दोनों का उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस, है ना, मैक्सिमम पॉसिबल राइज इन टेम्परेचर। तो ये देखो क्या हुआ, TW2 माइनस ये एक्चुअल हुआ और ये मेरा क्या हुआ, TS क्या है, तो कंडेंसर प्रेशर के रिलेटेड जो सैचुरेशन टेम्परेचर है, दिस माइनस इनलेट टेम्परेचर ऑफ द कूलिंग वाटर, ये होगा मेरा कंडेंसर एफिशिएंसी। समझ में आया कंडेंसर एफिशिएंसी क्या, है ना, सिंपल था कंडेंसर एफिशिएंसी, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इस पे बात करने के लिए, राइट। सो द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू सी इज द, ये एफिशिएंसी नहीं है, है ना, ये जो नेक्स्ट हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो एफिशिएंसी नहीं है बट रेशियो है, है ना, इसको हम बोलते हैं कूलिंग रेशियो, इसको हम बोलते हैं कूलिंग रेशियो, कूलिंग रेशियो, राइट। कूलिंग रेशियो डिराइव करते हैं कहां से, डिराइव करेंगे सुनो बात में, देखो स्टीम है, है ना, स्टीम ठंडा होने जा रहा है, कूलिंग वाटर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो मैं आइडियल केस बात कर रहा हूँ, कहीं पे हीट लॉस नहीं हो रहा है उस केस के लिए बात कर रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं यदि हीट लॉस बाय स्टीम, जितना स्टीम हीट लॉस कर रहा है उतना ही हीट इज इक्वल टू द हीट गेन बाय कूलिंग वाटर, है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ जितना स्टीम हीट लॉस कर रहा है उतना ही हीट गेन कर रहा है कूलिंग वाटर, तो हीट लॉस स्टीम का कितना होगा, तो मास ऑफ स्टीम टू मतलब इनलेट पे जो स्टीम जब कंडेंसर में एंट्री कर रहा था उस समय जो एंथैल्पी था, तो मैं H1 बोल रहा हूँ माइनस जो बाद में एंथैल्पी है, राइट, यही होगा इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय द कूलिंग वाटर। तो ये देखो ये मैंने एंथैल्पी के डिफरेंस में इसलिए लिखा है क्योंकि ये लेटेंट हीट है, है ना, ये केवल लेटेंट हीट लॉस कर रहा है, बट ये जो हीट गेन कर रहा है वो सेंसिबल हीट होता है, तो मैं इसको लिखूंगा मास ऑफ वाटर कूलिंग वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कूलिंग वाटर टेम्परेचर डिफरेंस TW2 माइनस TW1, राइट। सो देखो मैं यहां से लिख सकता हूं कि मास ऑफ स्टीम ऑन मास ऑफ कूलिंग वाटर विल बी इक्वल टू, ये उल्टा लिखते हैं, रेशियो जो होता है ये होता है मास ऑफ वाटर, कितना मास रिक्वायर्ड है वाटर का, कितना मास रिक्वायर होगा कूलिंग वाटर में, कितना रिक्वायर होगा फॉर स्टीम, कितने स्टीम के लिए मिल जाएगा H1 माइनस H2 अपॉन TW2 माइनस TW1, इट ऑफ कोर्स स्पेसिफिक हीट भी होगा, और इसी रेशियो को हम बोलते हैं कूलिंग रेशियो, है ना। तो ये कूलिंग रेशियो हमें क्या बताता है, द रेशियो ऑफ मास रिक्वायर्ड, मास ऑफ कूलिंग वाटर रिक्वायर्ड फॉर पर मास ऑफ स्टीम,
है ना, स्टीम मास ऑफ स्टीम जितना है उसके लिए कितना कूलिंग वाटर रिक्वायर्ड होगा वो मैं यहां से निकाल सकता हूँ, राइट। सो होप कि समझ में आया होगा तुम लोगों को, राइट। सो आज के लिए इतना ही करते हैं। तीन चीजें हम लोगों ने डिस्कस की, वैक्यूम एफिशिएंसी, देन कंडेंसर एफिशिएंसी एंड कूलिंग रेशियो। ओके, होप तुम लोग को समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि एयर लीकेज, एयर कहाँ से आया, एयर की बात क्यों उठ रही है, एयर लीकेज के कारण क्या है कंडेंसर में और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, फाइन। एक इंपॉर्टेंट है, तुम लोग के सिलेबस में भी है, फाइन। सो दिस इज इट फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। चलो बाय।